स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेंस ऑर्गेन्स. डू यू नो व्हाट इज सेंस ऑर्गेन्स? ओके, नाउ आई टेल यू, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेन्स. हाउ मेनी? फाइव. वी हैव फाइव सेंस ऑर्गेन्स. फर्स्ट इज अवर आईज, सेकेंड ईयर्स, थर्ड नोज, fourth tongue, and fifth is our skin. We have five sense organs. Okay, आपको पता चला कि हमारे कितने sense organs हैं? Five. Eyes, everyone touch your eyes. Yes. Eyes, ears, everyone touch your ears. Nose, everyone touch your nose. Tongue, everyone show me your tongue. And skin, you can touch the skin. Yes, this is our skin. Okay, आपको पता है ये सारे के सारे सेंस ऑर्गेन्स हमारी हेल्प करते हैं. कैसे? तो मैम अभी आपको बताएंगी कि सभी सेंस ऑर्गेन्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं. हमारी जो आईज है, आईज हमारी हेल्प करती हैं हमें देखने में. जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है उसको देखने में वो हमारी हेल्प करती हैं. तो आईज हेल्प अस टू सी. ओके, आप टीवी वॉच करते हो, आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, वो सब किसकी हेल्प से होता है? आपकी आईज की हेल्प से आप ये सब चीजें देख सकते हो. मैं ये सब देख रही हूँ, ठीक है? तो ये सब आईज की हेल्प से हम देख सकते हैं. तो सेकंड हमारे हैं ईयर्स. ईयर्स भी हमारे एक सेंस ऑर्गेन्स हैं. ईयर्स हमें हेल्प करते हैं सुनने में. ईयर हेल्प अस टू हियर. हियर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज स्पून. ओके, तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये एक साउंड कर रहा है. जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो कहाँ से? ईयर से. ईयर हमारे हेल्प कर रहे हैं हमें ये सुनने में. ओके, तो ईयर हमारे हेल्प करते हैं हियर यानी कि सुनने में, ठीक है? हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गेन्स क्या है? हमारा नोज. नोज जो है वो आपको हेल्प करता है स्मेल करने में. और ब्रीथ, जब भी आप सांस लेते हो तो किसके हेल्प से लेते हो? नोज. ओके, नोज आपकी हेल्प करता है सांस लेने में और ये हेल्प करता है स्मेल. जैसे कि ये कोकोनट ऑयल है. ओके, ये कोकोनट ऑयल है तो हम जब भी इसकी स्मेल हमें लेनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कोकोनट ऑयल है? वी कैन स्मेल. यस, यू कैन ऑल्सो. ओके, आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो कौन सी चीज है वो स्मेल से, ठीक है? तो कोकोनट ऑयल की स्मेल हमें कहाँ से पता चलती है? हमारे नोज से. बाकी भी बहुत सारी थिंग्स हैं जिनको आप स्मेल करते हो और नोज से ऑब्जर्व करते हो. आपका नोज बताता है कि वो किसकी खुशबू है. ओके, तो नोज हेल्प अस टू स्मेल. एंड अवर फोर्थ सेंस ऑर्गेन्स इज टंग. विच? टंग. ओके, टंग हेल्प अस टू टेस्ट. टेस्ट, चीजों को खाने से हमें पता चलता है कि वो उनका टेस्ट कैसा है. और कौन हेल्प करता है? अवर टंग. टंग हमारी हेल्प करती है उनको टेस्ट करने में. दिस इज शुगर एंड आई कैन टेस्ट. यस, दिस इज सो स्वीटी एंड यमी. ओके, तो आप भी उसको टेस्ट कर सकते हो किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से. ओके, अवर लास्ट सेंस ऑर्गेन्स इज अवर स्किन. स्किन, स्किन हमारी हेल्प करती है हमें फील कराने में. हमें फील होता है हमारे आसपास की चीजें. जैसे कि मैं इसको टच करती हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है. तो वो कहाँ से है? मुझे फील हो रहा है मेरी स्किन से, ठीक है? दिस इज अ टॉय, दिस इज डक, एंड आई कैन फील दिस इज वेरी सॉफ्ट. ओके, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है. और ये भी मुझे कहाँ से फील हो रहा है? मेरी स्किन से. ओके,
जो हमारी स्किन है वो हमें फील कराती है कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, कोई भी चीज कोल्ड है, हॉट है, वो सब आपकी स्किन जिसको टच करती है तो आपको पता चल जाता है। आपको कोई ऐसे पिंच करता है तो आपको पेन होता है, वो भी आपको अपनी स्किन से पता चलता है। ओके, तो अब आप सबको पता चल गया है कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। हाउ मेनी? 5। अभी सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके नाम आपको अच्छे से याद हो गए हैं। आई होप कि आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और ये सब आपको लर्न करना है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज के लिए वो है हमारी एक्टिविटी बुक में, पर आपको एक्टिविटी बुक में करना है पेज नंबर 4। सो एवरीवन ओपन पेज नंबर 4 इन योर एक्टिविटी बुक, दिस इज पेज नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स हैं और ये है उनके फंक्शन। ठीक है, तो आपको इन सबको मैच करना है, सी द पिक्चर्स एंड मैच द फॉलोविंग। ओके, आपको पिक्चर देखनी है और कौन सा काम किस सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से होता है आपको उसके साथ मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का आपका होमवर्क है और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सेंस ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से लर्न कर लीजिए। गुड बाय।